हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पहले वॉलेटरी इंटीग्रल इक्वेशन की यूनिकनेस देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली वॉलेटरी इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, सबको पता है। हमारे पास यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स कुछ के एक्स टी, जो कि कर्नल होती है यू टी ऑफ डी टी, ये हमारे पास वॉलेंटरी इंटीग्रल इक्वेशन होती है। अब हम चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है। तो इसके लिए लेट अस सपोज कि हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन है, यू एक्स एंड वी एक्स। ये हमने दो सॉल्यूशन एजम कर लिए कि इसके दो अलग अलग सॉल्यूशन है। अब चूंकि वी एक्स जो है इसका सॉल्यूशन है, तो जब हम इसमें वी एक्स बराबर पुट करेंगे, इसमें यू टी की जगह वी एक्स पुट करेंगे, तो चूंकि ये इसका सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि यू एक्स के इक्वल आएगा जो कि वी एक्स आएगा, यानी कि वी वन एक्स यू वन एक्स। अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखेंगे तो जो ये सॉल्यूशन है तो ये भी वी एक्स आएगा। अब जब हम यू टू एक्स की बात करेंगे, क्योंकि अब यू वी एक्स फिर भी सॉल्यूशन है, तो ये भी वी एक्स से इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे वी एन एक्स जो होंगे, सॉरी यू एन एक्स जो होंगे, वो वी एक्स से इक्वल होंगे। जो वी एक्स से इक्वल होंगे, तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास वी एन एक्स बराबर यू एक्स फॉर ऑल एन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन एक्स बराबर वी एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यू एक्स बराबर वी एक्स। तो यहाँ से ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, यानी दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स बराबर एक्स माइनस जीरो टू एक्स एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई। अब तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट द जीरो अप्रोक्सीमेशन, हमने जीरो अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि यू जीरो एक्स जो है वो जीरो है, ये हमने ले लिया, ये अज्यूम कर लिया कि ये जीरो है। तो उस कंडीशन में हमारे पास देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंपली जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन में वहाँ पे जीरो पुट करना है, यानी कि यहाँ जीरो पुट करना है। यहाँ जीरो पुट करते हैं, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। तो ये टर्म पूरी जीरो, यानी कि यू वन एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास, जीरो, सॉरी यू वन एक्स आ गया एक्स, ये वाली टर्म। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, जरूरी नहीं फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जीरो लिया है, आप जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हो, एक्स फंक्शन कुछ भी ले सकते हो। ये हो गया हमारे पास। अब हम यू टू एक्स निकालना है हमें, तो यू टू एक्स में फिर से यू टू एक्स क्या है, बेसिकली एक्स माइनस जीरो टू एक्स एक्स माइनस जाई यू वन जाई डी जाई। तो यू वन जाई पुट करना है, तो एक्स की जगह हमें सिंपली जाई पुट करना है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो टू एक्स एक्स माइनस जाई जाई डी जाई। तो ये हो गया हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे रहेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो टू एक्स एक्स जाई माइनस जाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स जाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस जाई क्यू अपॉन थ्री, और लिमिट अप्लाई करनी है हमें जीरो टू एक्स। लिमिट इसको हम अलग अलग पार्ट में भी करके इस तरह से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन है, तो ये टर्म माइनस से जाएगी जब हम माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस से ये टर्म तो है माइनस आ जाएगी और ये प्लस आ जाएगी। तो माइनस के साइन अभी तो बाहर ही है, जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री। या इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये, सॉरी एक्स क्यू अपॉन थ्री, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन सिक्स, ये आ गया। अब ये हमारे पास यू टू एक्स, यू टू एक्स, तो ये यू टू एक्स है, तो इसको हम यू थ्री एक्स निकालने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स माइनस जीरो टू एक्स एक्स माइनस जाई यू टू जाई डी जाई। अब ये वैल्यू हमने पुट की, तो वैल्यू पुट करने पे हो गया एक्स माइनस जीरो टू एक्स एक्स माइनस जाई जाई माइनस जाई क्यू अपॉन सिक्स डी जाई। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस फाइव एक्स बार फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। इसी तरह से इसको एन टाइम तक रिपीट करते जाएंगे, तो रिपीट करने पर यू एन एक्स जो आएगा वो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन फाइव फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट माइनस वन टू पावर एन माइनस वन एक्स टू पावर टू एन माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन फैक्टोरियल। ये हो गया, जो कि हमारे पास पार्शियल सम ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की जो पार्शियल एक्सपेंशन होता है उसका फॉर्म है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी
लिमिट अगर एन टेंस टू इनफिनिटी इस पे अप्लाई करेंगे तो ये प्लस और आगे टर्म चलते जाएंगे जो कि हमारे पास साइन एक्स की फॉर्म है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर सॉल्यूशन की अगर फॉर्म मिल जाती है हमारे पास तो इसको यहाँ पर भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, जिनके आंसर भी आपको स्क्रीन पे शो रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू सॉल्व एन इंटीग्रल इक्वेशन। कोई इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड किस तरह से यूज किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।